रामेल चोरम का शीट निकाल ले सभी लोग। एक्सरसाइज वन, वन से टेन में कोई डाउट है? वन से टेन आवाज नहीं करें, आपको डाउट है तो बोलिए वरना चुप रहिए। वन से टेन, इलेवन, ट्वेल्व, कहाँ आ रहा है डाउट? थर्टीन, थर्टीन आपको डाउट है। सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट इज दिस, तो मैंने एक नोट लिखवाया था आपको लास्ट में कि अगर सारे कोएफिशिएंट्स का सम निकालना है तो पुट एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन पुट करोगे आप इसमें, क्लियर? तो जब एक्स इक्वल टू वन पुट करोगे तो थ्री की पावर एन दैट इज 6561 हो गया, और 6561 जो है थ्री की पावर एट है, सो एन इक्वल टू कितना आ गया 8। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके पास बच गया है 1 + 2x की पावर n, अब इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का है, x इक्वल टू किस पॉइंट पर, हाफ पर, निकाल लोगे अब? तो एक सिंपल क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन को मिक्स किया था, पहले n निकलवाया फिर आगे सेम क्वेश्चन। 14th, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा ले सब लोग इस पर। द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द इंटीग्रल पावर्स ऑफ x, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के चार पांच क्वेश्चन है, वो मैंने कहा था शीट में करवाऊंगा, समझ में आ गया? ये वही टाइप के क्वेश्चन है जो मैं करवाना चाह रहा था, अब शीट में आप लोग दिमाग लगाते तो होता। 1 + 2√x होल पावर 40, अब समझिए सब लोग ध्यान से, अगर इस बाइनोमियल को आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास टोटल 41 टर्म्स आएंगे, वो इस तरह के आएंगे, समथिंग सी जीरो, वन की पावर जीरो, इसकी पावर जीरो, वो तो वन हो जाएगा, अगला आएगा आपके पास इसकी पावर वन, अगला आएगा इसकी पावर टू, तो टू वाले में रूट हट जाएगा तो इंटीग्रल पावर बच जाएगी, अगला बचेगा थ्री वाले में नहीं हटेगा, फोर वाले में हट जाएगा, इसका जब इसको आप सोल्व करोगे तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, ए नॉट कुछ भी जो आएगा, 40 सी जीरो वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, मैंने ए नॉट लिख दिया। अगला लिख रहा हूं मैं ए वन रूट एक्स, अगला आएगा ए टू एक्स, अगला आएगा ए थ्री रूट एक्स पर वन, रूट एक्स पर टू एंड रूट एक्स पर थ्री, और ऐसे लास्ट तक चलता चलता ये आएगा ए 40 एंड रूट एक्स पर 40। बोले कोई डाउट है तो किसी को? बाइनोमियल को एक्सपेंड करने के बजाय मैंने ऐसा लिख दिया है कि वो बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, 40 सी जीरो, वन की पावर जीरो, टू की पावर, ये समझ में आ गया? बोली ये दूसरा मेथड है, बताइए। हाँ तो वही चीज है, यहाँ पर देखिए, ये समझ में आ गया आपको? अब आगे देखिए, इसमें इन्होंने कहा था कि सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स, तो एक्स पर जहां पर इंटीग्रल पावर्स है उन सब का कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर प्लस ए 40 फाइंड करना है, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ये तो आपने लिख दिया है, बहुत बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बार आप इसका एक्सपेंशन ले लो माइनस वाले का और एड कर दो, तो कभी वो ये वाला सम पूछता है, कभी वो ये वाला सम पूछता है, तो ये वही तरीका है जो मैंने बाइनोमियल समझाया था। अरे एक छोड़ के एक कैसे आता है, जब एक प्लस वाला बाइनोमियल और एक माइनस वाला बाइनोमियल, अब उसमें देख लेना कौन सा पूछा है, इस बार इन्होंने ये वाला पूछा है, तो इसका मैंने सॉल्व किया तो क्या आएगा, आवाज नहीं करें, ए नॉट माइनस ए वन रूट एक्स प्लस ए टू रूट एक्स एंड सो ऑन, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए एंड पुट एक्स इक्वल टू वन, क्योंकि कोएफिशिएंट पूछा है, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और यहां पर पुट कर दिया क्या, एक्स इक्वल टू वन, तो दोनों को ऐड किया तो यहां पर आ गया थ्री की पावर 40 और ये प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस वन की पावर 40 प्लस हो जाएगा, प्लस वन, नहीं आया समझ में, और दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए नॉट
टू, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 40 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, तो मैंने कहा भी था वैसे एक क्वेश्चन ये करवाना था, लेकिन आप दिमाग लगाते ज्यादा बढ़िया था इसमें। चलिए बहुत बढ़िया है। 15 एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन 15 टाइप। द कोफिशियंट ऑफ दिस इन दिस 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 दिस, इन सब में इसका कोफिशियंट चाहिए आपको। देखें कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एम का कोफिशियंट चाहिए, लेकिन इन्होंने देखो पीछे लिखा हुआ पी छोटा है एम से और एम छोटा है किससे, एन से। कोई तकलीफ है किसी को यहां पर? तो जैसे मान लो एक्स की पावर एम है, एम को मान लिया 5 मान लिया और पी छोटा है तो 3 मान लिया और एन बड़ा है 7-8 मान लो कुछ भी। समझ में आ गया, इसका मतलब मुझे x की पावर 5 का कोफिशियंट चाहिए। पहला वाला क्या जाएगा 1 प्लस x की पावर 3, क्या उसमें मिलेगा? नहीं। अरे 1 प्लस x की पावर 3 उसमें 5 का कोफिशियंट कहां से मिलेगा? नहीं आ रहा समझ में। उसको सोल्व भी कर डालोगे तो तभी मैक्सिमम क्यू भी आएगा, ये नहीं मिलेगा। p प्लस 1 में भी नहीं मिलेगा। तो वहां से मिलना शुरू होगा जब p और m बराबर हो जाएंगे, जब p भी कितना हो जाएगा 5, मतलब पावर जब 5 हो जाएगी तब से आपको इसका कोफिशियंट मिलने लग जाएगा। बात समझ में आ रहा सभी को? और कब तक मिलता रहेगा? लास्ट तक मिलता रहेगा। अब समझना सब लोग ध्यान से क्वेश्चन को, मुझे x की पावर m का कोफिशियंट चाहिए था 1 प्लस x की पावर p, बोले कोई तकलीफ है? p छोटा है मान लो 3 है, तो बढ़ता बढ़ता 4, 5, 6 बीच में m के बराबर आएगा, फिर बढ़ता 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 n के बराबर तक चल जाएगा। तो मुझे पता है कि मुझे x की पावर m का कोफिशिएंट निकालना है, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, मिलता मिलता इसमें मिलने लग जाएगा। और इसमें क्या मिलेगा? एम सी एम, अरे लिखवा रखा है ना 1 प्लस x की पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या मिलता है? एन सी आर। तो m वाले में m का कोफिशिएंट क्या मिलेगा? एम सी एम। अगले वाला क्या हो जाएगा यहां 1 प्लस x की पावर m प्लस 1, उसमें कोफिशिएंट क्या मिलेगा? m प्लस 1 सी एम। और लास्ट वाले में क्या मिलेगा? एन सी एम। और ये तो वो है डॉल्टन, लोअर इंडेक्स सेम है। सो इसका जो फाइनली सम आएगा वो आ जाएगा n प्लस 1 सी m प्लस 1। अरे इसको लिख लो क्या, m प्लस 1 सी m प्लस 1, गाड़ी चल जाएगी और सेट होती जाएगी। ये क्वेश्चन था। तो अगर कोफिशिएंट निकालना है तो छोटे वाले में तो मिलेगा नहीं, जब ये पावर बढ़ती बढ़ती इसके बराबर हो जाएगी वहां से मिलने लग जाएगा। और कोफिशिएंट का जब भी क्वेश्चन आए तो जनरल टर्म लिख लिया करो, ज्यादा दिक्कत आए आपको। और वन वाले में लिखने की जरूरत नहीं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर? चलिए लिख लें सभी लोग। नेक्स्ट सिक्सटींथ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 16 देखें, वन प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब ऐसे गाड़ी चल रही है, ए 10 पूछा है तो बीच में आएगा ए 10 एक्स की पावर 10 और ए आएगा आपके पास ए 15 एक्स की पावर 15। याद है कोई डाउट है? इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है, ए 10 पूछा है, तो इसका मतलब ए 10 क्या चीज है, एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट है। तो लैंग्वेज घुमाइए और कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि इसके एक्सपेंशन में एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट निकालो। ये मल्टीनोमियल वाले मेथड से कर सकते हो, या तो केस बना बना के, या तो केस बना बना के, याद आ रहा है? इसको 0 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 0-0 दे दो, इसको 1 दे दो, ऐसे केस बना लो। या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं हम, कैसे? इन दोनों को साथ ले लो, इन दोनों को साथ ले, फैक्टर हो रहे हैं इस वजह से। अगर फैक्टर नजर नहीं आते तो वही तरीका था केस बनाने वाला। एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट
तो लैंग्वेज घुमाया है और कुछ भी नहीं है। इन्होंने इसको लिख दिया ऐसा और ए टेन, तो ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है ए वन कौन है, एक्स का कोफिशिएंट, ए टू कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए टेन कौन है, एक्स की पावर टेन का कोफिशिएंट। तो यहां से आपके पास हो जाएगा ये वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वन प्लस एक्स एंड होल पावर फाइव, दोनों में से भी वन प्लस एक्स बाहर आ गया, उसकी पावर कितना हो गया टेन और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर टेन। अब किसका कोफिशिएंट निकालना है आपको, ए की पावर एक्स की पावर टेन का कोफिशिएंट निकालना है, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें और इसको भी एक्सपेंड करें और मल्टीप्लाई कर करके ऑब्जर्व करें कब कब एक्स की पावर टेन आ सकता है। क्लियर, वन प्लस एक्स है ना, और फाइव, तो दोनों को एक्सपेंड कर दें यहां से आप सब लोग। क्लियर, इसको एक्सपेंड किया तो फाइव सी नॉट एक्स की पावर नॉट, फाइव सी वन एक्स की पावर वन, और लास्ट आएगा 5c5 x की पावर 5। इसी तरह उसको भी एक्सपेंड कर दें 5c नॉट x स्क्वायर पर नॉट, 5c1 x स्क्वायर पर 1, एंड लास्ट आएगा 5c5 x स्क्वायर पर 5। अब 10 कहां से मिलेगा, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मिल रहा है, एक तो ये केस बन गया। तो पहला आंसर आएगा आपके पास कितना 5c नॉट एंड 5c 5 प्लस 1 वाला कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 वाले के लिए 9 वाला चाहिए और 9 वाला वहां आएगा नहीं, क्योंकि ए वन वाले आएंगे, ये खत्म हो गया। 2 वाला 8 वाले से, तो 5c 2 और उधर से 5c 4 प्लस 2 वाला गया, 3 वाला नहीं मिलेगा, फोर वाला उधर वाले से सिक्स वाले से, तो फोर वाले के लिए तो आएगा फाइव सी फोर और सिक्स वाले के लिए आएगा फाइव सी थ्री। फोर वाला गया, फाइव वाला नहीं, इट इज द आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर ले, इस तरह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा चैतन्य पर। सेवनटींथ क्लास में करवाया था ऐसे क्वेश्चन। एटींथ इंटीग्रल टर्म्स का मतलब है रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म्स वाला क्वेश्चन करवाया था ना, तो इसका जनरल टर्म लिख के वो आर की वैल्यू निकाल लें, वो वाला क्वेश्चन है रेशनल टर्म्स वाला। चलिए 18 के बाद 19 देखें, 19 देखो इसको रन करा दो आप आगे वाले को, जब आप आगे वाले को रन कराओगे तो वो क्या हो जाएगा 10c0 plus 10c1 plus 10c2 plus 10c10, इसका मतलब 2 की पावर 10, समझ में आ रहा सभी को, तो आगे वाला तो 2 की पावर 10 हो जाएगा आपका। क्लियर, और पीछे वाला जो है k रनिंग फ्रॉम 0 से 10 माइनस 1 की पावर, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है किसका, 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर 10 का। देखो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख के देखो आप सिग्मा के टर्म्स में, तो ये भी 2 की पावर 10 है, ये भी 2 की पावर 10 है, दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। समझ में आ गया सभी को? ये आगे वाला तो समझ में आया होगा आपको 2 की पावर 10 नहीं आया आगे वाला। क्यों, रन करा दो इसको, 10c0 plus 10c1 plus 10c10 that is 2 की पावर 10। क्लियर, और अगले वाले को रन कराओ आप, तो अगले वाले में आपको नजर आ जाएगा क्या, 10c0 half की पावर 0 माइनस 10c1 हाफ की पावर 1 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है किसका, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू माइनस हाफ है, तो ये भी हाफ की पावर 10 हो गया और ये 2 की पावर 10 है, दोनों कट के 1 बच गया। अच्छा 2 की पावर n वाला, चलिए 20 20 20 में क्या डाउट आ गया, ये तो आसान था, रन करा दीजिए इसको, रन करा दिया इसको, तो मेरे पास है 47c4। क्लियर, अगला है आपके पास j को 1 रखा है, तो j को 1 रखा तो ये मिलेगा आपको 51c3, j को 2 रखा तो 50c3। क्लियर, और रखते जाओ, और जब j को 5 रखा आपने तो 47c3, और इसको इधर लिख लो, पीछे वाले को इधर लिख लो 47c4। बात समझ में आ रहा है, अब वो गाड़ी चल गई इधर से इधर से इधर से इधर से, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 52c4, सी ऑप्शन आपके पास है। क्लियर, चलिए
21 सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट पुट एक्स बराबर 1 22 कैस बनाने वाला है ये एक्स की पावर 10 चाहिए ट्राइनोमियल है कैस बना के सोल्व करना पड़ेगा आपको 22 हो गया 23 ये बढ़िया क्वेश्चन है इस पर भी स्टार लगाएं सभी लोग ए एन आपको दिया हुआ है ए एन क्या दिया हुआ है सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 0 टू एन 1 अपॉन एन सी आर क्लियर तो 1 अपॉन एन सी आर ये एन दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है मुझे आर रनिंग फ्रॉम 0 टू एन एन माइनस टू आर एन सी आर ये फाइंड करना है तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसको दो पार्ट में तोड़ दो आप एक n माइनस आर अलग कर लो और एक r अलग कर लो आप इसमें क्लियर तो मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया तो सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 0 टू n एक को लिख दिया n माइनस आर अपॉन एन सी आर और वो जो r को अलग किया है उसको मैंने अलग लिख दिया r अपॉन एन सी आर बोले कोई डाउट है किसी को यहां पर समझ में आ गया अब इस नीचे वाले एनसीआर को क्या मैं एनसी एन माइनस आर लिख सकता हूं तो मैंने इस नीचे वाले एनसीआर को एनसी एन माइनस आर लिख दिया समझना सब लोग ध्यान से क्लियर अब आप इसको रन करा दो और इसको भी रन करा दो दोनों सेम हैं रन करा के देख लो जब आर को जीरो डाल रहा हूं तो एन अपॉन एनसी एन जब उसमें जीरो डाल रहा हूं तो जीरो अपॉन एनसी जीरो तो ये इधर से आएगा वो उधर से आएगा दोनों सेम है क्योंकि जब इसमें आप एन डालोगे तो ये वही चीज आएगा जो आपने इसमें जीरो डाला तो डालना तो आपको इसमें भी जीरो से एन तक है उसमें भी जीरो से एन तक दोनों सेम चीजें हैं बोलो तो दोनों कट जाएगा आंसर क्या आएगा आपका जीरो तो इस तरह से ये आपका सोल्व हो जाएगा क्लियर लिख लें सभी लोग चलिए 24 डाउट है तो पूछे 24 द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन पॉलिनोमियल क्लियर ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस पर भी स्टार लगाएं एक्स प्लस ये कुछ लिखा हुआ है उसको मैंने मान लिया एक्स वन मान लिया थोड़ी देर के लिए अगले में कुछ लिखा हुआ है उसको x प्लस एक्स टू मान लिया जीरो से तो चलो जीरो से मान लो इसको x नॉट मान लिया इसको x वन मान लिया और लास्ट में लिखा हुआ है x प्लस कहां तक है ये n तक है तो ये x n हो गया समझना बहुत ध्यान से सब लोग क्वेश्चन अलग टाइप का है ये अब अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये तो एक इक्वेशन है क्लियर क्या इक्वेशन है x x x कितने डिग्री की इक्वेशन है ये एन प्लस वन डिग्री की इक्वेशन है क्योंकि कहां से कहां तक जा रहा है ये जीरो से लेके एन तक जा रहा है तो एन प्लस वन डिग्री की इक्वेशन है समझ में आ गया तो अगर इस इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप फाइनली तो आपके पास एक इस तरह की इक्वेशन मिलेगी एक्स एन प्लस वन प्लस समथिंग एक्स एन प्लस समथिंग एंड सो ऑन मिलेगा बोलिए बोलिए समझ में आ रहे सभी लोग तो मुझे अगर इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा और इन्होंने क्या पूछा है कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन इसका ना एक्स की पावर एन के आगे जो कोफिशियंट आएगा वो इन्होंने कहा है कि वो निकालो आप तो हम जानते हैं फ्रॉम द थ्योरी ऑफ इक्वेशन वो कंसेप्ट लगेगा यहां बाइनोमियल की बजाय कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन कितने डिग्री की इक्वेशन है ये एन प्लस वन डिग्री की कितने रूट्स आएंगे इसके एन प्लस वन आएंगे और उन सबका जो सम ऑफ रूट्स आएगा सम ऑफ रूट्स कितना आएगा बोलिए माइनस दिस अपॉन वन तो वो आएगा माइनस के ए नॉट बोलिए कोई डाउट है तो इसका मतलब मुझे क्या करना है इस इक्वेशन में एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट निकालना है तो एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट निकालना है इसका मतलब मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है और उसके आगे क्या लगा देंगे अपन माइनस क्योंकि सम ऑफ रूट्स तो माइनस ए नॉट होगा समझ में आ गया तो उसके आगे माइनस लगा देंगे तो मुझे सारा कोएफिशिएंट मिल जाएगा क्लियर तो यहां पर आपको ये जितने भी रूट्स हैं उन सब का सम निकालना है क्वेश्चन क्लियर है सभी को
बोलिए वापस समझे वरना, जैसे x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री ये होता, और मैं आपसे कहता हूं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन आएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया माइनस सिक्स, और इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट कितने हो गए सिक्स, तो उसके आगे माइनस लगा दो वही कोएफिशिएंट आ जाएगा, नहीं आ समझ में? तो कुल मिला के इस इक्वेशन के रूट्स का सम निकालना है, और इस इक्वेशन के रूट्स आपको नजर आ रहे हैं माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स वन, और वो एक्स नॉट कितना है माइनस के टू एन प्लस वन सी जीरो, इसका मतलब जो मुझे फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन वो हो जाएगा माइनस ऑफ टू एन प्लस वन सी जीरो प्लस टू एन प्लस वन सी वन, और कहां तक है टू एन प्लस वन सी एन, ये मुझे फाइंड करना है। तो गाड़ी जीरो से चल रही है और n तक ही चल रही है, कंप्लीट कहां है ऊपर कितना है 2n प्लस वन, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो गाड़ी जीरो से लेके यहां तक चल रही है आधी चल रही है आधी, और आधी बाकी है, और हम जानते हैं पहले आधे का सम और बाद के आधे का सम सेम होता है, क्यों? फर्स्ट और लास्ट सेम, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम, इसका मतलब मैं जानता था कि 2n प्लस वन सी जीरो से लेके 2n प्लस वन सी 2n प्लस वन, इसका सम कितना आएगा 2n प्लस वन आएगा, तो ये आधा है, ये पूरे का सम इतना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये इसका आधा सम है, तो इसका आधा कर दो, इसका आधा करेंगे तो 2 की पावर 2n आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 2n, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है, क्लियर? चलिए चलिए 25, 26, ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, देखो आप एनसीआर लिखा हुआ है, एन 100 है, आर की जगह एम लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये जो एक्स माइनस थ्री है ये एक्स है, क्लियर, और जो वाई है वो टू है, तो ये किसका एक्सपेंशन है x माइनस थ्री प्लस टू उसकी पावर 100 का है ये, तो ये एक्चुअल में 1 माइनस x की पावर 100 का एक्सपेंशन है, ये सिग्मा के फॉर्म में लिखा है, x माइनस वन बोलो या 1 माइनस x बोलो 100 के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब उसके अंदर 53 का कोएफिशिएंट निकालना है तो आ जाएगा 100 सी 53 ऑड एस और माइनस के साथ आएगा, जनरल टर्म लिख लेना उसका, वो x है ना एक तरीके से समझो, तो भाई वहां अगर मैं x लिख दूं तो वो एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर लिखा हुआ है, तो एक्स की प्लेस पर हो गया एक्स माइनस थ्री प्लस वाई की प्लेस पर हो गया टू, अब जो आता है उसमें आप 53 का कोएफिशिएंट निकालो, तो ये आता है एक्स माइनस वन की पावर, तो जनरल टर्म लिख के सोल्व कर लो, 27 रेशनलाइज कर लें इसको, 27 में देखो इतना तो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, इसको रेशनलाइज कर लिया आपने, इसको रेशनलाइज किया अगर आपने, तो मैंने क्या किया अगले वाले को रेशनलाइज कर लो, तो दिस माइनस दिस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे टू आ गया, टू से टू कट गया, तो यहां बच गया आपके पास क्या एक्स प्लस वाई की पावर एन प्लस एक्स माइनस वाई की पावर एन, दैट इज ट्वाइस ऑफ सिक्स सी जीरो इसकी पावर जीरो, याद रहा है सभी को? तो अब इसको एक्सपेंड कर दो, अब क्या पूछा है इन्होंने, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का बचेगा फाइनली, तो वो आपको देखना पड़ेगा कितने डिग्री का बचेगा, तो सिक्स सी जीरो अंडर रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस वन उसकी पावर सिक्स, और अगले वाले का जो है उसकी पावर जीरो, तो हाइएस्ट क्या बचेगा एक्स स्क्वायर की पावर थ्री, समझ में आ रहा है, तो सिक्स डिग्री का बचेगा हाईएस्ट जो है, तो सिक्स डिग्री का पॉलिनोमियल बच जाएगा, बोलिए सर, ये जो 26 है इसमें अगर x की पावर 40 है इनका निकालना होता फिर तो सर ये x माइनस 3 है तो उससे भी तो फर्क पड़ेगा, अरे तो ये पूरा सोल्व हो के ये जो बाइनोमियल है ना ये पूरा जो सिग्मा लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 की पावर 100 है ये,
उसको खोल के लिखा हुआ है बस। फिर अगर 49 होता ना फिर, तो उसका जनरल टर्म लिखे 49 का टर्म निकाल ले तो माइनस के 100 से 49 आंसर आ जाएगा। फिर ये गलत हो गया क्योंकि जब इसको कोलिंग x - 3 को तब भी तो x की पावर 49 का एक आएगा, मतलब जब ऐसा आएगा x - 3 की पावर 49 उसको खोल लेंगे तो x की पावर 49 और भी टर्म्स आएंगे। और कहां से आएंगे सर? जैसे सर ये कहीं से नहीं आएगा, एक ही जगह तो लिखा हुआ है। चले 28, 29, 30। देखो ये सब आपको बाइनोमियल को पकड़ना पड़ेगा, ये सिंपल सिंपल बाइनोमियल थे, आपको इनको पकड़ना पड़ेगा। देखो सभी में 81 की पावर n कॉमन आ जाएगा, अगर आप सभी में ध्यान से देख रहे हो तो 81 की पावर n कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 1/81 की पावर n कॉमन आ गया। समझ में आ रहा है सभी को? अगले को ध्यान से देखो आप, क्लियर? तो अगले को आप ध्यान से देख रहे हैं तो वो बच रहा है आपके पास 1 - 10 और 2nc1 प्लस, अगले को ध्यान से देखो 10² 2nc2 एंड ऐसा लिखा हुआ है। अरे ये किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है? देखो 1 - 10 की पावर 2n का लिखा हुआ है। देखो खोलो इसको आप। यस सर। बस उनको खोल खोल के लिखा हुआ है, वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है? तो 1 - 10 क्या हो गया? 9 की पावर 2n, इट इज ऑल्सो 81। 1/81 की पावर n और ये आ जाएगा -9 की पावर 2 उस पर n, तो ये अगेन 81n दैट इज 1। बस तो ये सिंपल है, कभी बाइनोमियल को अलग फॉर्मेट में लिख देगा, जैसा कि 26 है, 20, 30 में इन्होंने बाइनोमियल को खोल के लिख दिया इस तरह से, वो आपको पकड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट 32 और 31। चलिए लिख लीजिए सभी लोग यहां तक। नाउ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिखे नेक्स्ट चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लियर? तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या चीज है इसको समझना सब लोग ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास दो तरह की चीजें काम में आती है इसमें, क्लियर? एक सिलेक्शन होता है, एक अरेंजमेंट होता है। जैसे मेरे पास ये तीन ऑब्जेक्ट है डिफरेंट, क्लियर? तो मैंने कहा इनमें से दो चीज सेलेक्ट करो, तो ये जो पूरा चैप्टर है ये काउंटिंग के वेज अपन इस पे पूरा पढ़ेंगे, कितने तरीके से कोई भी इवेंट जो हो रही है उसके कितने वेज है, 10 वे है, 50 वे है, ये है। तो जैसे मैंने कहा ये 3 पेन है, क्लियर? तो इसको सिलेक्शन करना है आपको दो ऑब्जेक्ट का, तीन, तो क्या क्या तरीका है? ए बी या फिर बी सी या फिर सी ए, ये हुआ सिलेक्शन के वेज। तो ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, किसी भी इवेंट में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो कितने तरीके से वो इवेंट होगी, कितने नंबर ऑफ वेज है उसके, वो चीज आती है आपकी कॉम्बिनेशन में। सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, क्लियर? परम्यूटेशन में क्या होता है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, क्लियर? जैसे अभी अभी आप लोगों ने कहा कि ए बी सी अगर तीन ऑब्जेक्ट है तो दो चीजें अपन पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं सिलेक्शन, ये किस में आता है? कॉम्बिनेशन में। एक पढ़ेंगे अपन अरेंजमेंट, ये आता है परम्यूटेशन में, क्लियर? तो जैसे मैंने कहा कि सिलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, तो इन तीन में से अगर आपको दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने था, क्लियर? तो ये तीन में से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आपके माइंड में आ रहा है आइदर ए बी और बी सी और सी ए, ये हो गए नंबर ऑफ वेज, कितने हो गए? 3 वेज हो गए। अरेंजमेंट का मतलब है उनकी पोजीशन मैटर करती है, पोजीशन का मतलब है कि जैसे ए बी और बी ए, तो अरेंजमेंट में सिलेक्शन तो है ही, उसमें फिर उनकी पोजीशन भी मैटर करती है।
अब सिलेक्शन में तो मैंने कहा दो लोग आ जाओ, तो दोनों आ गए, तो उसमें इनकी पोजीशन मैटर नहीं कर रही थी, जबकि अरेंजमेंट में पोजीशन मैटर करेगी। मैंने कहा दो लोग आ जाओ और लाइन में खड़े हो जाओ। अब इनके पास दो रास्ते हैं, मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ, ये कह रहा नहीं मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ, तो दो वे और हो गए। ये चीज है, तो अरेंजमेंट में इनकी पोजीशन मैटर करती है। तो अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ये हो गया ए बी अलग अरेंजमेंट है और बी अलग अरेंजमेंट है। तो अगर आपने ये दो सेलेक्ट किया तो इनका अरेंजमेंट दो तरीके से हो गया। बी सी सेलेक्ट किया तो बी सी और सी सी बी, और सी ए सेलेक्ट किया सी ए और ए सी, तो टोटल कितने वेज हो गए? सिक्स वेज। तो हमेशा जो अरेंजमेंट है वो सेलेक्शन के बराबर या उससे ज्यादा ही आते हैं, डबल नहीं। ऐसा थोड़ी कि डबल, इसमें डबल आने से डबल थोड़ी कहा जाएगा। क्लियर? वो बाई चांस क्वेश्चन ऐसा लिया डबल है तो बहुत ज्यादा भी आते हैं। यहाँ अगर तीन ले लेते तो यहाँ दस बार आ जाते। ये अपन काउंटिंग के वेज पढ़ेंगे। अब हर केस में ऐसे बना के तो पॉसिबल है नहीं, गिन के तो पॉसिबल है नहीं। क्लियर? इसमें दो प्रिंसिपल काम आते हैं काउंटिंग के लिए। हाँ वो अब पढ़ रहे अपन एक एक करके, चिंता ना। क्लियर? चले लिख लें इसको, समझ में आ गया सबको। चले तो अगला हेडिंग लगाए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहला लिखें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दो तरह के हैं काउंटिंग के प्रिंसिपल, एक मल्टीप्लीकेशन का है और एक एडिशन का है। पहला लिखें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसके अंदर लिखें इफ एन इवेंट कैन अकर्ड, इफ एन इवेंट कैन अकर्ड, इफ एन इवेंट कैन अकर्ड इन एम वेज, स्मॉल एम, एम वेज एंड इफ एन इवेंट कैन अकर्ड इन एम वेज एंड अनदर इवेंट कैन अकर्ड इन एंड अनदर इवेंट कैन अकर्ड इन एन वेज, then total number of ways in which, then total number of ways in which both events can occur simultaneously, in which both events can occur simultaneously is m into n, is m into n। यहां अब समझे, अगर पहली इवेंट m तरीके से हो रही है, दूसरी इवेंट n तरीके से हो रही है, तो अगर दोनों इवेंट एक साथ हो रही है, एक के बाद एक हो रही है, साइमल्टेनियस हो रही है, उस केस में दोनों इवेंट के नंबर ऑफ वेज निकाल के मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर अगर आपके पास जैसे वो केस था, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में निकलना था, तो एक से दूसरे में गए दो तरीके थे, देन साइमल्टेनियस, फिर उसके बाद दूसरे से आगे गए तो उसके भी दो तरीके थे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे? 2 into 2 दैट इज 4। वहां आपका इवेंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना था। तो हिंदी में ऐसा कुछ लिख दे कि जहां कहीं आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, देन, क्लियर, कि देन की फीलिंग आ रही है, इसके बाद ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, तो वहां पर अलग अलग काउंट करके आपको उनका मल्टीप्लाई करने का है। क्लियर? तो लिख लीजिए यहां पर ब्रैकेट में इफ फीलिंग ऑफ then, if filling of then after and
एनडी एंड ऐसा हो, एंड एंड लग रहा हो जहां दिस एंड दिस, तो वहां मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? तो इफ फिलिंग ऑफ देन आफ्टर एंड इन दीज केसेस मल्टीप्लाई, वी यूज प्रिंसिपल, वी यूज मल्टीप्लीकेशन. इन दीज केसेस वी यूज मल्टीप्लीकेशन, वी यूज मल्टीप्लीकेशन. ये मैंने आपको समझा दिया. जहां एक के बाद एक हो रहा हो, साइमल्टेनियस हो रहा हो, उसके बाद फिर ऐसी चीजें नजर आ रही हो, वहां मल्टीप्लाई करेंगे. एंड लग रहा हो हिंदी में और, मतलब इस तरह का. क्लियर? चलिए अगला लिखे, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. प्रिंसिपल ऑफ एडिशन अगला है. प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. क्लियर? लिखे इसके अंदर, इफ एन, ऊपर वाला लिख ले पूरा, इफ एन इवेंट कैन अकर्ड इन एम वेज एंड अनदर इवेंट कैन अकर्ड इन एन वेज, देन वहां तक पूरा ऊपर वाला लिख ले. इफ एन इवेंट कैन अकर्ड इन एम वेज एंड अनदर इवेंट कैन अकर्ड इन एन वेज, पूरा ऊपर जो लिखा है ना वहां तक लिख ले. पूरा लिखना है. कोई डाउट है किसी को यहां पर? देन देन वन ऑफ देम, देन वन ऑफ देम कैन बी, देन वन ऑफ देम कैन बी अकर्ड इन एम प्लस एन वेज, कैन बी अकर्ड इन एम प्लस एन वेज. अब समझे, यदि उनमें से अगर एक ही इवेंट हो रही हो, इसमें मैं एक चीज लिखा रहा हूं, जहां कहीं ऐसी फीलिंग आ रही हो और, आइदर और, आइदर दिस और दिस, इसके पांच तरीके हैं, इसके सात तरीके हैं, तो यहां पर टोटल कितने तरीके हो गए? बारह. जहां पांच और सात ऐसी आइदर और की फीलिंग आ रही है, तो वहां क्या होगा? एट होगा. अलग अलग केसेज बन रहे हैं. फर्स्ट केस के फाइव है, सेकंड केस के टेन है, तो टोटल कितने हो गए? पंद्रह. वहां एट होगा. समझ में आ गया? तो लिख लें, इफ फीलिंग ऑफ आइदर और, इफ फीलिंग ऑफ आइदर और कोमा, इफ फीलिंग ऑफ आइदर और कोमा डिफरेंट केसेस वी यूज एडिशन, वी यूज एडिशन. तो ये दो तरह के प्रिंसिपल यहां पूरे चैप्टर में काम आएंगे. भाई अलग अलग इवेंट की बातें आएगी बहुत सी बार, तो ऐड करना या मल्टीप्लाई करना वो मैंने आपको समझा दिया. क्लियर? और वो कितने तरीके से कोई इवेंट हो रही है वो हम यहां सीख रहे हैं. अब उसमें कभी परमुटेशन पूछता है, कभी कॉम्बिनेशन पूछता है, कभी सिर्फ सिलेक्शन की बात करता है, कभी उनके अरेंजमेंट की भी बात करता है. ये चीजें तो कुछ डायरेक्ट निकल जाती है देखने से, क्वेश्चन को सोचने से, ऑब्जर्वेशन से. कुछ में थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ज्यादा केस बनाने पड़ते हैं इस तरह से. क्लियर? थ्योरी में मेन कंसेप्ट यही है, बाकी थ्योरी आती जाएगी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सोल्व करने के लिए, नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए. क्या है परमुटेशन होता है, कॉम्बिनेशन नहीं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है. ये तो दो प्रिंसिपल है. परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो वो जो नंबर ऑफ वेज आएंगे उसके बाद का काम का ये है कि उनको एड करना है या उनको मल्टीप्लाई करना है. एक ही इवेंट होगी तो कोई बात नहीं, एक से ज्यादा इवेंट हो रही तो ये, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ उससे आपको समझ में आएगा. लिखे फर्स्ट एग्जाम्पल, लिखे फर्स्ट एग्जाम्पल सभी लोग. इधर देखें, ए बी सी. क्लियर? अब ए से बी पर पहुंचने के तीन रास्ते हैं, बी से सी पर पहुंचने के दो रास्ते हैं,
तो टोटल यहां से यहां पहुंचने का है, तो एक आदमी कितने तरीके से पहुंच सकता है? पांच, वो गलत है सभी का। छह, वही तो कह रहा हूं कब ऐड करना है कब मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलो इसको कैसे बोलोगे? हाँ, ए से बी, फिर तो फिर और जहां कहीं ऐसा है देन वहां क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ी है कि ए से बी पहुंच जाओ या बी से सी पहुंच जाओ, या थोड़ी आएगा, नहीं आ समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम ए टू सी इज 3 × 2 विच इज 6 वेज है उसको वहां पहुंचने के। आप खुद भी दिमाग लगाओ, इधर देखे पप्पू, यहां पर देखे, तो 1, 2, 3 रास्ते यहां पर है पर 2 रास्ते यहां पर है। तो एक आदमी को यहां से बाहर निकलने का है, यहां से घुसेगा एक और एक दो तरीके, या फिर या लगा रहा हूं इसमें, यहां से घुसेगा फिर दो तरीके, तो 2 और 2 = 4 यहां ऐड कर रहे हैं, या फिर यहां से जाएगा और 2 और 2 = 4 तो 6 हो गए तरीके। तो देखो 6 आ रहे थे। तो या तो ऐसे वाला केस बना के सोचे तो उसमें या लग रहा है, 3 केस बन रहे और डायरेक्ट सोच रहे हैं तो इसके बाद साइमल्टेनियस इवेंट हो रही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, समझ में आ गया सभी को? सो यहां से डायरेक्ट सी पर पहुंचने का जो तरीका है वो टोटल आ जाएगा 3 × 2 दैट इज 6 वेज। नहीं आया समझ में? फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखे, अब एग्जांपल ही एग्जांपल है इसमें, जल्दी जल्दी लिखिए सब लोग। इन हाउ मेनी वेज, ये वाला लिखे, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम ए टू सी, ऐसे लिख लेना। और एक बात और सुन ले, देखो इस चैप्टर में क्या अपन डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे और वो मैं बोलूंगा यहां पर, तो वो आप थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, वरना महीने भर बात पढ़ोगे अरे सर ने 3 × 2 क्यों कर दिया है। और अभी तो यहां बड़े बड़े क्वेश्चन में भी वहां डायरेक्ट आंसर आता है, पीएनसी में यही फायदा है, डायरेक्ट आंसर आता है, सब जो सारा काम मेंटली होता है इसमें, समझ में आ गया? तो वो आप जैसे मैं तो आंसर लिखूंगा उसमें आप जो इतनी चीज थोड़ी देर तक बोलूंगा मैं उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा साइड में लिख लेना कि यार यहां से यहां पहुंचने के इतने वे थे, इस वजह से ऐसा किया सर ने, समझ में आ गया? वरना आप महीने भर बाद 6 महीने बाद रिवीजन करोगे तो समझ में नहीं आएगा ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया है, क्योंकि वो चीज बोली हुई चीज थोड़ी आपको याद आएगी, समझ में आ गया? लिखे नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए। हाँ हाँ, आवाज नहीं करें, देखिए ए से लेके डी पर पहुंचना है, ए पर आदमी खड़ा है डी पर पहुंचना है, तो लिखिए क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम ए टू डी, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम ए टू डी, क्लियर? अब ए से डी पर उसको पहुंचना है, टोटल कितने तरीके से वो पहुंचेगा? इसमें कंडीशन है ए से बी पर पहुंचने के 2 तरीके हैं, बी से डी पर पहुंचने के 3 हैं, बी से सी पर 2 हैं, सी से डी पर 4 हैं और ए से डी पर 5 है, क्लियर? तो करिए ट्राई, आधे मिनट का टाइम है आपके लिए ना। तो उस पर्सन को ए से डी पर पहुंचने का है, देखिए समझिए सभी लोग ध्यान से यहां पर, तो ए से डी पर पहुंचने के कितने वेज है? पहला वे है ए टू बी देन बी टू डी, तो ए बी डी देन लग रहा है सो साइमल्टेनियस इवेंट है, सो 2 × 3 दैट इज 6, और आइदर इन दिस वे और इन दिस वे और इन दिस वे, इसमें और भी लग रहा है और देन भी लग रहा है, समझ में आ गया? तो फर्स्ट वे ये हो गया और ए बी सी डी, ए टू बी देन सी देन डी, तो साइमल्टेनियस है 2 × 2 × 4 दैट इज 16, ए टू डी दैट इज डायरेक्टली 5, सो इन सब में क्या करना पड़ेगा 8, यहां तो मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि देन साइमल्टेनियस एंड यहां अलग अलग केसेज बन रहे, सो फाइनली 8, सो दिस कितना हो गया टोटल 27 वेज है उसके पास यहां से यहां पहुंचने का। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखे,
आप समझ में आ रहा है कंसेप्ट सभी को? ये है आपके पास. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखे. इन अ क्लास देर आर सिक्स बॉयज एंड फोर गर्ल्स. इन अ क्लास देर आर सिक्स बॉयज एंड फोर गर्ल्स. इन हाउ मैनी वेज देर आर, क्या लिखा है पता नहीं. इन अ क्लास देर आर सिक्स बॉयज एंड फोर गर्ल्स. इन हाउ मैनी वेज, पहला क्वेश्चन है. इन हाउ मैनी वेज, पहला क्वेश्चन लिखे. इसमें दो क्वेश्चन आ रहे हैं. इन हाउ मैनी वेज अ टीम ऑफ टू मेंबर्स, अ टीम ऑफ टू मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड इन विच वन बॉय एंड वन गर्ल इज देयर. इन हाउ मैनी वेज अ टीम ऑफ टू मेंबर कैन बी सेलेक्टेड इन विच वन बॉय एंड वन गर्ल. सेकेंड क्वेश्चन लिखे. इन हाउ मैनी वेज अ पर्सन कैन बी सेलेक्टेड. इन हाउ मैनी वेज अ पर्सन कैन बी सेलेक्टेड सच दैट आइदर अ बॉय और गर्ल. क्वेश्चन क्लियर है? अब छह तो बॉयज थे आपके पास और फोर गर्ल्स थी. आपको दो पर्सन सेलेक्ट करने का है. पहले क्वेश्चन में एक बॉयज होना चाहिए. तो बॉयज को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? छह तरीके हैं भाई. छह बॉयज है, कोई सा भी एक आ जाओ. तो आइदर दिस 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 दिस, तो एक प्लस कितने? छह तरीके. गर्ल को सेलेक्ट करने के चार तरीके हैं. अब पहले क्वेश्चन में एड होगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्योंकि एक बॉय सेलेक्ट किया. अब फिर क्या करना है? एक गर्ल भी सेलेक्ट करना है. तो वहां पर पहले क्वेश्चन में हो जाएगा 6 × 4 दैट इज 24 वेज. सेकंड में एक ही पर्सन सेलेक्ट करना है, तो या तो बॉय में से या गर्ल में से. तो बॉय को सेलेक्ट करने के 6 वेज थे, गर्ल को सेलेक्ट करने के 4 वेज थे. सो यहां पर आ जाएगा 6 + 4 दैट इज 10 वेज. इस तरह से ये अलग अलग आंसर आ जाएगा. कोई डाउट है किसी को यहां पर? बोलिए. चलिए नाउ, तो इस तरह से ये थ्योरी आपके काम में आने वाली है. अब अपन पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट और सिलेक्शन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन. तो कुछ क्वेश्चन तो हम इस तरह की थ्योरी से करेंगे, कुछ में अपन एनसीआर एनपीआर फैक्टोरियल वगैरह काम में लेंगे. क्लियर? तो हेडिंग लगाएं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पहला हेडिंग लगाएं परमुटेशन. परमुटेशन लिखे. इट इज अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स. परमुटेशन के अंदर लिखे इट इज अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स. परमुटेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट. ब्रैकेट में लिखे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर्स. पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैटर्स. समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है आगे पीछे इस तरह से वो मैटर करेगी इसके अंदर. क्लियर? तो ये कहलाएगा आपका परमुटेशन. इसी में नीचे लिखे फैक्टोरियल. फैक्टोरियल फैक्टोरियल इसके अंदर लिखे अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन अ लाइन इन अ रो. लिखे अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो
इज एन फैक्टोरियल, इज एन फैक्टोरियल। अब समझे, जैसे दो पर्सन को अगर आपको अरेंज करना है एक रो में, कितने तरीके हैं? दो। कैसे? टू फैक्टोरियल। तीन को अरेंज करना है तो छह तरीके हैं। कैसे? ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। एक बार ए को आगे कर दो उन दोनों को आगे पीछे, एक बार बी को आगे कर दो उन दोनों को आगे पीछे, छह तरीके हो गए। और तीन पर्सन को तीन फैक्टोरियल कितना होता है? सिक्स। तो अगर फाइव पर्सन को एक रो में अरेंज करना है तो ऐसे केस बनाएंगे तो सुबह से शाम पढ़ सकते हैं अपन को। उसको इस बार आगे भेज देना, उसको आगे भेज देना, और मैं सेकंड रो में बता दूंगा टोटल कितने तरीके हैं। फाइव फैक्टोरियल 120 वेज है पांच आदमी को लाइन में खड़ा करने के। मैं आपसे कहूंगा इन पांचों बच्चों को लाइन में खड़ा करके आओ, आप तो दो मेरे के आप खड़े हो जाओ यार। अब वो घूमते हैं यार, मैं आगे लगू मैं पीछे लगू, तो कितने तरीके थे? 120 तरीके थे उनके पास। फिर अपन ने कहा कि सारे केस बना लो आप, उनसे अपन ने कह दिया मैं बैठा हूं देख रहा हूं आप सारे केस बनाइए, गए काम से। और इसी में एक आदमी और फिट कर दो, चलो इसको भी ले लो, 720 तरीके है, कोई भूल जाएंगे तरीके। मैं आ गया, नहीं नहीं यार मैं आ गया था पहले तो यार, मैं तो यहाँ आ गया था। ये है, तो ये फैक्टोरियल से बहुत आसान हो गया। क्लियर? तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर एक रो में अरेंज करना है तो टोटल तरीके हो गए अरेंजमेंट, रो, एन फैक्टोरियल। क्लियर? तो आया कैसे इसका प्रूफ देखें। जैसे मान लो पांच पर्सन थे और पांच जगह होती है। क्लियर? तो एक पर्सन को मैंने कहा कि जाके बैठ जाओ, अब वो गया, अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसके पास कितने ऑप्शन है? एन ऑप्शन है। क्लियर? एन पर्सन में से एक को गया, चलो वो चाहे कहीं पर भी जाके खड़ा हो गया, उसके लिए तो बहुत तरीके थे। दूसरे को कहा उसके पास एक कम है, एन माइनस वन, फिर तीसरा गया एन माइनस टू, और लास्ट वाला गया वन, और फिर हो रहा है तो सब मल्टीप्लाई होंगे एंड इट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, वन इंटू टू। क्यों? ये गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, एक के बाद एक जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं। सो ये एन फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे उनके पास। समझ में आ गया सभी को? तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। चलिए अगला लिखे एन पी आर, अगला एडिंग लगाए एन पी आर, एन पी आर। अब एन पी आर पहले में तो था कि एन थे, पांच पर्सन थे और पांचों को अरेंज करना था। अगले में पर्सन ज्यादा है, अरेंज कम को करना है। जैसे तीन पेन थे मेरे पास, अरेंज दो को ही करना था, तो उसमें तो पहले सिलेक्शन भी मैटर करेगा किन दो को अरेंज करें। तो अगर एन डिफरेंट पर्सन में से आर पर्सन को अरेंज करना है तो या तो केस बनाओ बहुत सारे कि यार इस बार मैंने इन आर को लिया, इस बार इन आर को लिया, नहीं आया समझ में? तो दस लोग हैं, मैंने कहा पांच को अरेंज करो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ गया यार पांच किसको लें। क्लियर? तो पांच किसको लें यहां पर, आपका क्या है केस समझ ही नहीं आ पाता है। सौदप्रिया, चले कोई बात नहीं। देखिए तो एन में से मुझे आर को अरेंज करना है, समझ में आ गया? तो या तो केस बना बना ही करोगे यार, इस बार इन पांच को ले लो, उस बार उन पांच के लोग लो, और हर का अरेंजमेंट तो फिक्स है कि पांच का अरेंजमेंट क्या होगा, पांच फैक्टोरियल से, तो केस बहुत बन जाएंगे, इस बार ये पांच, इस बार वो पांच। तो डायरेक्ट इन्होंने ऑब्जर्व किया और उससे कनेक्टेड ये फॉर्मूला निकल गया एन पी आर। तो केस वेस बनाने से बच गए, डायरेक्ट इसके अंदर वो सारा रिजल्ट आ गया है। क्लियर? तो लिखे एन पी आर के अंदर अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट पर्सन, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ आर स्मॉल आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज, आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज एन पी आर, इज एन पी आर, एंड एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन पी आर इज एन फैक्टोरियल अपॉन
एन माइनस आर, एनसीआर में एक चीज और बढ़ जाती है, वो इसमें नहीं आती है. वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर बिलोंग्स टू होल नंबर, एन इज ग्रेटर इक्वल देन आर. ये ऐसा लिखें, समझ में आ गया कैसे आया ये. जैसे 10 लोग हैं, 5 को अरेंज करना है, तो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 10. दूसरे के लिए 9. जैसे भाई 5 प्लेस है आपके पास, इन पर मुझे इन 10 जनों को भेजना है, क्लियर. तो पहले प्लेस के लिए कितने आदमी खड़े हैं? 10. कोई सा भी जाके बैठ सकता है. एन अगले के लिए एन माइनस वन एन, और आदमी कितने थे? आर ही थे. जगह कितनी थी आपके पास? आर ही थी. अरे 10 लोग थे, जगह कितनी है? 5 ही है. तो पहले पे 10, या 10 लोग थे, जगह मान लो 4 मान लो, तो पहले पे 10, अगले पे 9, अगले पे 8, अगले पे 7. तो पहले पे n, n माइनस 1, और लास्ट वाले पर n माइनस r प्लस 1. और फिर हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको खोलेंगे तो वो यही आएगा. इनको मल्टीप्लाई करो, देखो यहां से आप क्या करो, n n माइनस 1 n माइनस 2 बाहर निकाल लो, समझ में आ गया. लास्ट में n माइनस r बच जाएगा, कटते कटते वो पूरा कट जाएगा और यहां से बच जाएगा, क्लियर. तो ये इसका तरीका हो गया n p r. तो अब 10 में से कम को अरेंज करना है, n में से कम को अरेंज करना है, सबको अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल, कम को अरेंज करना है तो n p r, क्लियर. R आउट ऑफ N, ठीक. चलिए अगला हेडिंग लगाएं, कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन लिखे, इट इज द सेलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इट इज द सेलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इट इज द सेलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ब्रैकेट में पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट मैटर. पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट मैटर, क्लियर. कॉम्बिनेशन में ओनली आपको बस कॉम्बिनेशन बनाने का है, ग्रुप बनाने का है, सेलेक्ट करने का है, एक तरीके से ये कहें. लिखे इसके अंदर सेलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सेलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज एन सी आर. इज एन सी आर. जैसे 3 में से आपने 2 सेलेक्ट किए थे, तो यहां तो आपने गिन लेते ए बी बी सी सी ए. अगर मैं कहूं 100 में से 25 12 सेलेक्ट करो तो बहुत केस बन जाएंगे, तो वो अपने आप इसके अंदर आ गए कि अगर एन डिफरेंट में से आर सेलेक्ट करना है तो एन सी आर से अपने आप वो सारे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, क्लियर. इज एन सी आर, वेयर एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, क्लियर. अगेन इसकी कंडीशन भी यही है, N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, R बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड N इज ग्रेटर इक्वल देन R. फिर भी ये मान लो कहीं आए, ये कब डिफाइन है तो वो अपने को पता होना चाहिए, NCR इन जनरल कब डिफाइन, क्लियर. तो अब अपना जो परम्यूटेशन का काम है, तो अगली लाइन में लिखे रिलेशन बिटवीन एनसीआर एनपीआर, या नॉट ऐसे देखें. तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस चीज को मैं क्या कह सकता हूं, एनपीआर. इसका मतलब एक रिजल्ट और मुझे मिल रहा है, क्या, कि एनपीआर इक्वल टू
एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल. सो एन पी आर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल. रिलेशन बिटवीन एनपीआर एनसीआर इक्वल टू दिस. और आप बिल्कुल सही भी है बात कि अब आपको कभी भी एनपीआर को रटने की जरूरत नहीं है. एनपीआर का अपन बहुत यूज जो है बहुत मिनिमम लेंगे. अब हम सिर्फ यूज लेंगे एन फैक्टोरियल का और एनसीआर का. तो एनपीआर अगर आपको करना है, इधर समझे सब लोग ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा कि 10 में से 4 लोगों को अरेंज करना है, अरेंज करना है, वैसे तो आंसर आ गया 10P4, लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे. अब कैसे करेंगे फिर इसको, पहले उनमें से सेलेक्ट कर लो 4 को. तो 10 में से 4 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, एनसीआर. और अब उन 4 को अरेंज कर दो, 4 को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल. वही तो हम कर रहे थे कि एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल एंड इट इज इक्वल टू एनपीआर. वही अपना काम हो जाएगा. तो डायरेक्ट अपन एनपीआर के अरेंजमेंट की भी बात आएगी तो हम सिलेक्शन से ही करेंगे. पहले सेलेक्ट कर लो फिर उनको अरेंज कर दो. और आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका है आर फैक्टोरियल. एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका है एन फैक्टोरियल. समझ में आ गया सभी को? ये पूरे चैप्टर में जो थ्योरी है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट, सिलेक्शन और फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो काम आएगी. क्लियर? एग्जांपल्स. लिखिए सभी लोग फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल लिखे, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2, 3, 4. पहला क्वेश्चन है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. दूसरा है, रिपीटेशन इज अलाउड. अब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं. इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. एक नंबर प्रॉब्लम्स बनता है, एक अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम्स बनता है और एक अदर प्रॉब्लम्स बनता है. क्लियर? अब इन्होंने कहा कि 1, 2, 3, 4 है, इनसे आपको 4 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं. तो अब इस क्वेश्चन को अपन एक तरीके से इक्वेट कर सकते हैं अरेंजमेंट. 4 आदमी है, इनको एक रो में फिट करना है. नहीं आसन में भाई, 4 डिजिट का नंबर है 1, 2, 3, 4. नहीं आसन में तो इन चारों को, इसका मतलब इन चार जगहों पर जाना है. तो टोटल कितने आएंगे, 24. अब इसमें भी ये केस है कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नहीं अलाउड है. क्लियर? तो जो आप बता रहे हो वो तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है. क्लियर? तो इसका मतलब इन चार से मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है. तो इसका मतलब मुझे इन चार प्लेस को भरना है, इन चार डिब्बों को फिल करना है. तो पहले डिब्बे पर कौन कौन जा सकता है इन चारों में से, कोई भी. तो इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है. पहला भर गया, देन सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, जब ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है. क्योंकि इनमें से एक जना यहां जाके बैठ गया, अब 3 लोग बचे हैं और 3 जगह बची. मैंने कहा तू जा, अब यहां पर 3 लोग आ सकते थे, इस जगह पर कोई आ जाओ, ये आ गया भाग के. अब इसके लिए 2, इसके लिए 1, तो टोटल आ गया 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 24 वेज है. इसका मतलब टोटल 24 नंबर्स बन सकते हैं. और अगर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड का मतलब है कि कोई भी कितनी भी बार जाके बैठ सकता है. तो पहले प्लेस पर कितने लोग है, 4, दूसरे पर भी 4, इनमें से कोई भी यहां आके जा सकता है. सेकंड पर भी कोई भी आ सकता है, जैसे यहां 1 लिख दिया तो यहां 1 आ सकता है. इसमें तो चारों अलग अलग है, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 1, 1, 3, 4, 1, ऐसा है. इसमें 1, 1, 1, 1 भी आ सकता है, 1, 2, 1, 2 भी आ सकता है, कितना भी कोई भी कितनी बार रिपीट हो सकता है. थर्ड प्लेस के लिए, फोर्थ के लिए, दैट इज 4, 4, 4, 4, दैट इज 256. तो इन 4 नंबर से विदाउट रिपीटेशन टोटल 24 नंबर्स बन सकते हैं एंड रिपीटेशन 256 नंबर्स बन सकते हैं.
समझ में आ गया? तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इनमें, और इनमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर? बट वो अपन अब अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।